खबर इटावा से है, जहां पर दशहरा के अवसर पर हिंदू सेवा समिति इटावा ने आज 7वीं भव्य श्रीराम विजय यात्रा निकाली। शोभा यात्रा टिक्सी टेम्पल से शुरू होकर छैराहा, राजागंज चौराहा, नगरपालिका चौराहा, तिकोनिया, नौरंगाबाद, बलराम सिंह चौराहा होते हुए पक्का तालाब स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंची। इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि सांसद रामशंकर कठेरिया, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मृदुला कठोरिया, विशिष्ट अतिथि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, हिंदुत्व वक्ता एवं सलाहकार तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर रामविलास वेदांती, पूर्व सांसद अयोध्या राघवेश वेदांती यात्रा में शामिल हुए। हिंदू सेवा समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर सभी अतिथियों एवं गणमान्य लोगों का स्वागत किया गया। हम लोग संघ में जब काम करते थे तो हम लोगों को सिखाया जाता था कि कैसा लोक संग्रह होता है, कैसा लोक संपर्क होता है, कैसा लोक निर्माण होता है, और फिर कैसे हम लोग व्यवस्था लोगों की करते हैं, कार्यकर्ताओं की। मैं कह सकता हूं कि प्रदीप शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, धार्मिक क्षेत्र में एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते, वो एक अच्छे लोक संग्रही है और लोक व्यवस्थापक है, और उसी का सब प्रणाम है कि आज कई वर्षों से ये विजयदशमी का पावन पर्व एक अनोखे ढंग से, एक प्रभावी ढंग से इटावा की धरती पर होता है। ये इटावा की धरती के लिए, हम सबके लिए सौभाग्यशाली है, इसलिए प्रदीप शर्मा के लिए एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। उनकी धर्म पत्नी बैठी है जो हर समय उनका साथ देती है। आज हमारी धर्म पत्नी भी नहीं है, हम क्षमा मांग रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था क्योंकि वो भी हर साल आती थी। एक बार प्रदीप जी जेल में चले गए, लोगों ने कहा निकलने नहीं देंगे। मणि सदा विजयते रामम रमे संभजे रामेणा विहिता निसाचर चमु रामाय तस्मै नमः रत्नाकराधौत पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। मंचस्थ विराजमान जो विसंगतियां आई और उसको हमारे देश के सर्वमान्य लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 से लोकसभा में अपना भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराकर पूरे विश्व में राम राज्य की परिकल्पना का दिव्यतम संदेश प्रस्तुत कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में 2017 से हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी भगवा धारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज राम जन्मभूमि के पवित्रतम उस पावन प्रांगण में दीपोत्सव का पावन पर्व लगातार यह चौथा वर्ष उन्होंने मनाया है। इस तरह से तमाम विश्व में एक चर्चा का विषय है अब पुनर् हिंदू धर्म की स्थापना एक नए ढंग से होने जा रही है। सज्जनों, यह आयोजन इसलिए अपेक्षित है, इसलिए संदर्भित है क्योंकि जिस तरह हमारे देश में समय समय पर देश में बीच बीच बोलने वाली शक्तियां अपना फन फैलाती हैं, आप लोग जानते होंगे जो देश में, देश की दिल्ली की गद्दी में और भारत की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले गैंग हैं, जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, और जो विदेशों में बैठे आता है जो तालिबानियों का समर्थन कर भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को विचलित करना चाहते हैं, आतंकवाद के नाम पर, पंथवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर जो दुर्भावनाएं फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे संदर्भ में यह भगवान श्री राम की विजय यात्रा आज विजयदशमी के पावन पर्व पर, जब भगवान श्री राम ब्रह्मांड के सबसे बड़े आताताई दुष्ट रावण का वध कर विश्व के लोगों को शांति का संदेश दिया था, ऐसे में उस कड़ी में हमारे इटावा की इस पावन धरती से श्री प्रदीप शर्मा जी ने राम रस विजय यात्रा का संकेत देकर यह
उन लोगों को चुनौती दी है कि जो रहते हिंदुस्तान में है लेकिन गाते पाकिस्तान का है, अब उनकी नहीं चलने वाली। जो राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनने से पहले परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, जो ऐसे सपने संजो रहे थे और इस देश के शास्त्रों शास्त्र राम सेवकों ने उच्च वेदांति की महाराज जैसे संतों के माता की। सभी लोग दोनों भुजाओं उठाकर बोलेंगे भारत माता की। पंजा नहीं दिखाई दे, बजरंग बली की गदा बनाई मुट्ठी वाली, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक हम सबके सामने विराजमान श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम शंकर कठेरिया जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रदेश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, माताओं बहनों पत्रकार बंधुओं, आज एक बार पुनः इटावा की इस पावन धरती में आप सब लोगों ने भगवान श्री राम का विजयोत्सव मनाया है। त्रेता में भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध किया था। हमारे देश में पहले देश के लूटने वाले एक रावण थे, उन रावण का वध करने के लिए अयोध्या से एक महात्मा गया था जिसने लंका में रावण का वध किया था। लेकिन त्रेता में केवल एक रावण था, इस कलयुग में कई रावण पैदा हो गए हैं। कई रावणों का वध करने के लिए अब एक राम की आवश्यकता नहीं है, अब इन रावणों को वध करने के लिए हमको भारत में गांव गांव में राम की आवश्यकता है। जब भारत के गांव गांव से राम का जन्म होगा तब देश से रावणों का वध प्रारंभ होगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, त्रेता में भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा किया था, निश्चरहीन कर्म में भुज उठाए प्रणकीन, निशाचरों का वध करने के लिए भुजा उठाकर भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा किया था और पृथ्वी से राक्षसों का विनाश किया था त्रेता में। और कलयुग में इन राक्षसों का विनाश करने के लिए 2000 के बाद भी जब मंदिर निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ तब लोगों को शक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया फिर भी मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने एक ट्रस्ट बनाया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जिसके अध्यक्ष पूज्य नित्रमाल दास जी को बनाया गया। और याद दिलाना चाहता हूं, जब यह हुआ अयोध्या में संतों की बैठक हुई कि भाई इसका काम कैसे प्रारंभ होगा। हमने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अयोध्या में आकर भूमि पूजन कर शिलान्यास करें, तब मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। और अयोध्या के संतों के प्रस्ताव को माननीय प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने स्वीकार कर लिया और 5 अगस्त को अयोध्या की धरती पर आकर भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया, मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। आज मैं इटावा के लोगों से बताने आया हूँ, जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो जाएगा, राम जन्म मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहरा दिया जाएगा, उस दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। न तो संसद में किसी में इतनी जुर्रत और हिम्मत हुई कि कोई उठ के खड़ा होता और कहता कि आप जो ये काम करने जा रहे हैं इसमें मथुरा को शामिल गलत कर रहे हैं। नहीं पता था लोगों को, इसे अज्ञानता कभी कभी आपको कैसा नुकसान करती है। इंफॉर्मेशन का सही ना होना, डिस्टॉर्टेड होना, गलत इंफॉर्मेशन होना आपके लिए कितनी घातक होती है, एक राष्ट्र के रूप में कितनी घातक होती है।
ये जो मथुरा का मामला है, वेदांति जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में इसको शामिल कर लिया गया कहे लिया। और कहा गया है कि इस पे तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि संसद ने कहा है कि जो 1947 को था 15 अगस्त को वही रहेगा। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, उसका दूसरा हल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो जघन्य अपराध आपकी चुप्पी से हुआ है वो मैं बताना चाहता। मथुरा में 15 अगस्त 1947 को ईदगाह मस्जिद नहीं थी, अगर स्टेटस को रहना है, यथा स्थिति रहनी है, तो 1947 में कुछ आताताई मुसलमानों ने कृष्ण जन्मभूमि में हिंदू समाज के दो बड़े दलालों ने जो आपके साथ जघन्य अपराध किया, उन्होंने जमीन बेचकर 1965 में वहां ईदगाह बना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कैसे आ सकता है? अगर हम संसद का कानून माने तो उसमें मथुरा का मामला आ ही नहीं सकता, और अगर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को उन्हें निर्देश देना होगा। सुप्रीम कोर्ट भारत की सेना को, पुलिस को निर्देश देगी कि तत्काल प्रभाव से इस जो ईदगाह है इसको डहा दिया जाए। लेकिन आपको अपने बीच में जो हिंदुत्व के दलाल हैं उनका भी चेहरा बेनकाब होना चाहिए, और यह कमी होने के कारण आप दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं, एकमात्र ऐसी सभ्यता है, ये मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस देश का बहुसंख्यक समाज, वो चाहे कैसे भी रूप में हो, कैसी भी सरकार चुनता हो, इस देश के संविधान में 50 उसके खिलाफ कुकर्म किए गए हो। इटावा से शिवकुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार, और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।